नमस्कार, मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 के रात के 1:02 पर अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान की सिंह राशि उनकी स्वराशि है, वहां से बदलकर वो कन्या राशि में आ रहे हैं। और कन्या राशि में यहाँ पर लगभग एक महीने तक का उनका गोचर भ्रमण रहेगा और वो 17 अक्टूबर दोपहर के 1 तक रहेंगे। देखिए, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। पूरे सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही ये 9 ग्रह आपस में सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। तो मैं इस बात का खासा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी ग्रह के गोचर का मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाई तो मैं सूर्य देव का जरूर बनाऊं, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा, पिता, राजकीय मान सम्मान, हमारी राजनीतिक आशा, हमारी आकांक्षा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के द्योतक हैं। तो ये चूंकि ग्रहों के राजा हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूमते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य का जब भी सन का ट्रांजिट होता है तो आप सबों को बिल्कुल जानना चाहिए कि हम सबों के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य मंगल, गुरु और चंद्रमा के मित्र हैं, बुध से ये इनका रिलेशनशिप बड़ा न्यूट्रल रहता है। तो इन सबसे प्रभावित राशियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी मैं एक एक करके एक एक राशियों की चर्चा करती जाऊंगी और इसे आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि आप अपने लग्न राशि से भी देखें और चंद्र राशि से भी देखें, तब आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आने वाले महीने का मिल जाएगा। सूर्य का ये गोचर आप सभी राशियों के लिए एक बात तो कॉमन है कि आप किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, अगर आप पिछले दिनों से जूझ रहे थे तो आप चिकित्सक से परामर्श लेने का ये एक महीने का जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी कोई भी बीमारी, भगवान न करे कोई बीमारी हो, पर वो आरंभिक स्तर पर ही डायग्नोज हो जाएगी और ये इसकी क्रोनिसिटी नहीं बन पाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जल्दी जल्दी इस पूरे कालखंड को आप यूटिलाइज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य देव अग्नि तत्व की राशि से पृथ्वी तत्व की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे अपने अप्रोच में। हम जीवन के प्रति एक बहुत व्यवहारिक रवैया अपनाने जा रहे हैं आने वाले एक महीने में। ये 12 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और जनरल ट्रेंड की बात करूं, उसमें एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कालखंड के दौरान किसी ऐसी रिश्ते या किसी ऐसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं जो आपके लाइफ की जर्नी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये उन पुरानी चीजों, पुराने रिश्ते, पुरानी यादों से छुटकारा पाने का समय है। यहाँ पे सूर्य आपको इस तरह के कार्यों के लिए बहुत प्रेरित भी करेंगे और ऊर्जा भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बहुत ही प्रेशियस है ये एक महीने का समय। आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए आप पहला एक कदम बढ़ाइए। इस कालखंड के दौरान आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगी कि आप किसी भी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या जरूरी नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एनजीओ के थ्रू ही कार्य करें। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप 1-to-1 लेवल पे काम करते हैं और किसी को उनके चैरिटी के बारे में कानो कान खबर नहीं होती। तो चैरिटी तो हर समय करना चाहिए हमें, और लेकिन इस समय के दौरान मैं 12 राशि वाले जातकों से निवेदन करूंगी कि आपके मन में जो भी इच्छा थी कि मैं कहीं, या तो कार सेवा भी बहुत बड़ी चैरिटी होती है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पैसे का ही दान करें, वो पैसे का दान सिर्फ एक प्रकार है दान का। और इस तरह से आप अपने श्रम का दान कर सकते हैं, अपने समय का दान कर सकते हैं। किसी वृद्धा आश्रम में किसी वृद्ध दंपति के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे हंसना बोलना बहुत बड़ी चैरिटी है। तो इस तरह के बातों को आप अगर इस महीने में करते हैं तो आपके इन जनरल भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में बात करूं। तो अगर आपका मीन लग्न है या मीन चंद्र राशि है तो ये फलादेश आपके लिए है। देखिए मीन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में उनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिट के दौरान, इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ डिफिकल्टीज आपको ऐसी आ सकती है जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतियोगी हैं, उनके कारण आपको कुछ संघर्ष की स्थिति आपके जीवन में पनप सकती है। आप दूसरों के साथ बहुत प्रतियोगी फील करेंगे, आपको प्रतियोगिता की भावना आप में उबल उबल के जागृत होगी और जो कि आप बहुत आपकी मेंटल एनर्जी को बिल्कुल निचोड़ लेगी। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। आप रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके स्पाउस या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ ये समय थोड़ा सा रिश्तों में तनाव आ सकता है, थोड़ी सी मधुरता में कमी देखी जा सकती है। एक और स्थिति बन सकती है कि आप में ईगो क्लैश हो जाए, आपके स्पाउस में और आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच अहम का टकराव हो सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रही हूँ और दूसरे सामने वाले को तो दिमाग ही नहीं है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में अहम के टकराव से आप बचिए। आप अपने शादी को बहुत बचाने के लिए अपनी तरफ से आप कदम बढ़ाइए, इनिशिएटिव लीजिए और बाकी दूसरी चीजें कुछ समय के लिए वेट कर सकती हैं, पर रिश्तों में आप मधुरता बनाए रखिए, रिश्तों में खटास मत आने दीजिए। आपके व्यावसायिक जीवन की बात करूं तो देखिए आप वर्क फ्रंट पे हालांकि एक सामान्य समय है लेकिन आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने वर्क में आप मुझे स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं और यही चाहिए होता है। आप अपने वरिष्ठों के साथ बातचीत के दौरान थोड़ी सी डिप्लोमेसी बनाए रखिए, थोड़ी टैक्टफुल रहिए। आप बहुत आपके दिल में जो आया, दिल में जो बात आई आप उसको कहने से रुकिए, आप उसको कहने से बचिए। और अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि आपके वरिष्ठों के साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग पनप सकती है। आप बस अपने बोली में एक फिल्टर लगा लीजिए, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसके लिए आप बहुत सतर्क रहिए, तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनेगी। आप अगर आप ऑफिस के दौरे पे कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं या लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसको आप प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए थकान से भरी यात्रा होगी और इससे आपके बिजनेस में कुछ भी इजाफा नहीं होगा। कोई भी आप फेवरेबल डील करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, वो थोड़े समय के लिए टल जाएगा, आपको अगली मीटिंग अगले महीने या इस तरह का कुछ नया डेट मिल जाएगा, तो फेवरेबल रिजल्ट्स की उम्मीद कम दिख रही है। और हेल्थ वाइज में बात करूं तो देखिए हेल्थ वाइज आप फिजिकली बहुत अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, मेंटल आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पे तनाव या स्ट्रेस का आप थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। अपने एक्सरसाइज रेजीम को बिल्कुल प्रॉपर रखिए, योगा मेडिटेशन करते रहिए, आध्यात्मिक पुस्तकों का आप थोड़े समय भी आप पढ़िए, जो भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो एक पेज ही सही, आप उसके भावार्थ के साथ आप पढ़िए, जितना समय आपको मिल पाता है, आपके हाथ में जितना भी समय है उस हिसाब से आप थोड़े से समय आप ऐसी एक्टिविटीज पे देंगे तो ओवरऑल आपके लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपका भाग्यवर्धन हो रहा है और चीजें पहले से ज्यादा स्मूथ हो रही हैं, आप संघर्ष का कम सामना करेंगे और हेल्थ भी आपका बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है और आप जीवन के कई मामलों में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं।